बांग्लादेश में नई बगावत शुरू हुई है। आज बांग्लादेश इन दो महिलाओं की वजह से जल रहा है। इन रोती हुई महिलाओं ने बांग्लादेश की बर्बादी तय कर दी है। इन रोती हुई और पिटती हुई महिलाओं ने बांग्लादेश के छात्रों के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है। बांग्लादेश के छात्रों ने जिस जमाते इस्लामी संगठन के साथ मिलकर शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया था, आज वही जमाते इस्लामी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। छात्रों को भड़काया गया था कि जमाते इस्लामी उनके लिए बड़े बड़े काम करेगी, लेकिन अब इन सभी छात्रों को 1000 वोल्ट का झटका लगा है। जमाते इस्लामी पार्टी के स्टूडेंट विंग छात्र शिविर के सदस्य देश में शरिया पुलिसिंग कर रहे हैं। छात्र शिविर के सदस्यों ने कॉक्स बाजार बीच इलाके में महिलाओं के साथ तालिबानी हरकतें की। बीच पर टी शर्ट में घूम रही महिलाओं के साथ कट्टरपंथियों के समूह ने मारपीट की, उनसे कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई। महिलाओं को मॉडर्न कपड़े पहनने की सजा दी जा रही है, लाठियों से मारा जा रहा है। इन युवा महिलाओं से बुलवाया जा रहा है कि वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी, हमेशा बुरके में नजर आएंगी। बांग्लादेश में हो रही इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बांग्लादेश में इन युवा छात्रों को पता चल गया है कि उनके साथ धोखा हुआ था। अब बांग्लादेश में जगह जगह पर युवा महिलाओं के साथ बदतमीजी की तस्वीरें आ रही हैं। हैरानी की बात देखिए कि हिंदू महिलाओं को तो पहले से ही परेशान किया जा रहा था, मगर अब मुस्लिम महिलाओं को भी बख्शा नहीं जा रहा है। पिट रहे यही छात्र कुछ दिन पहले शेख हसीना को डिक्टेटर बता रहे थे। बेवकूफी में कट्टरपंथियों का प्यादा बन शेख हसीना की सरकार गिराकर जश्न मना रहे थे, मगर अब कट्टरपंथियों के हाथों ही पिट रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं। बांग्लादेश में महिलाओं को पिटता देख अब छात्रों ने फिर से बगावत शुरू कर दी है। इस बार बगावत मोहम्मद यूनुस सरकार और कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के खिलाफ है। इन छात्रों को अब हिंदुओं का समर्थन भी मिल रहा है। हजारों हिंदू दोबारा बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए हैं, मोहम्मद यूनुस की सरकार गिराने की बातें कर रहे हैं। भारत में सेक्युलर और फेमिनिस्ट जमात के लोगों को सांप सूंघ गया है।